हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप आप सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। और जब भी बाहर जाते होंगे तो मास्क पहनकर जाते होंगे, और जब भी घर आते होंगे तो अपने हैंड को वॉश अच्छे तरीके से करते होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माउस के ऊपर, कि माउस क्या होता है। ठीक है, आज हम माउस के बारे में सीखेंगे कि माउस क्या होता है। ठीक है, माउस आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा माउस। तो यहाँ पे आपके सामने जो इमेज दिख रही है इसको हम माउस बोलते हैं। ये वाले जो है इसको माउस बोलते हैं, कंप्यूटर का माउस। ये कुछ ऐसा दिखता है, आप सभी ने देख रखा है। ठीक है, तो अब इसमें खास क्या चीज है, इसमें क्या बताने वाली क्या चीज है? इसमें बताने वाली चीज ये है कि जो ये वाला पोर्शन रहता है, देखो ये वाला जो पीछे वाला, ये वाला इतना सा, ये ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं हम इसको? बॉडी, माउस बॉडी। अब इसको बॉडी भी बोल सकते हैं या माउस बॉडी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अब इसमें यहाँ पे देखिए तीन बटन होते हैं। ये एक पहला बटन है, ये देखिए एक इसमें दूसरा बटन है, और ये वाला जो है ये तीसरा बटन है। ठीक है, इसमें तीन बटन होते हैं। अब एक जो बटन होता है उसको हम बोलते हैं राइट, राइट बटन, या राइट क्लिक जब करते हैं उसमें हम राइट बटन दबाते हैं। एक होता है हमारे पास लेफ्ट बटन, ठीक है, जो लेफ्ट क्लिक करने के लिए काम हमारे पास आता है। एक राइट क्लिक करने के लिए काम आता है, और लेफ्ट वाला लेफ्ट क्लिक करने के काम आता है, और राइट वाला बटन राइट क्लिक करने के काम हमारे पास आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये वाली एक चीज होती है, इसको हम रोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोलर। ठीक है, रोलर, इसको हम रोल कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है घूमने वाला कुछ टायर जैसा लग रहा है, ठीक है, इससे हम रोल कर सकते हैं। और कोई भी चीज हमको ऊपर नीचे करनी हो वो हम इसको घुमा के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये एक माउस काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, दिख रहा है सभी को? अब यहाँ पे मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब देखिए माउस ऐसा होता है। इस वाली को क्या बोलते हैं हम, जो ये वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं बॉडी, और जो ये वाला है ये बोलेंगे हम राइट क्लिक, राइट बटन, जो किसके काम आता है राइट क्लिक करने के। और जो ये लेफ्ट वाला है, लेफ्ट साइड में जो है, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट बटन, जो कि लेफ्ट क्लिक करने के काम आता है। और जो ये वाला बटन है इसको हम स्क्रॉलर बोलते हैं, या स्क्रॉल व्हील भी बोलते हैं, जो कि ऊपर नीचे करने के काम आता है। अगर हमको कोई चीज ऊपर करनी हो तो हम इसको ऊपर की तरफ घुमाएंगे, अगर हमको कोई चीज नीचे की ओर करनी हो तो हम इसको नीचे की ओर घुमाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा माउस का काम होता है कंप्यूटर के ऊपर। और यहाँ पे देखिए एक और इमेज। ठीक है, अब आप बोलेंगे यार ये क्या चीज है, कुछ चमकता दमकता। ठीक है, ये जब आजकल जो नए माउस आ रहे हैं वो कुछ नए डिजाइन आ रहे हैं, कुछ लाइटिंग वाले आ रहे हैं, खास करके जो गेम गुम वगैरह खेलते हैं उसके लिए ये वाला माउस को यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे भी देखिए बटन है, यहाँ पे भी बटन है, वही है, राइट क्लिक बटन है, लेफ्ट क्लिक बटन है, और यहाँ पे भी देखिए स्क्रोलर है, इसमें भी स्क्रोलर है, और यहाँ पे भी देखिए कुछ बटन लगे होते हैं, और इनके कुछ राइट में भी स्क्रोलर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे साइड में कुछ बटन भी होते हैं, जैसे कि ये एक बटन है, ये बटन है। ठीक है, ये होता है हमारा बटन फॉरवर्ड जाने के लिए, ये वाला बटन होता है लेफ्ट जाने के लिए। ठीक है, अपने आप इसमें दो चार बटन को और भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, जो हमारे ट्रेडिशनल थे उसमें सिर्फ यहाँ पे तीन बटन होते थे, बट जो एडवांस हमारे पास आ रहे हैं इसमें यहाँ पे भी दो बटन आ रहे हैं। कौन से? फॉरवर्ड जाने के लिए और बैक जाने के लिए। ठीक है, फॉरवर्ड और बैक का हमारे पास यहाँ पे नए माउस में ऑप्शन दिया गया है, खास करके जो गेमिंग वाले माउस होते हैं उसमें ये वाले ऑप्शन होते हैं। ठीक है गाइस, तो कैसा लगा आपको आज का टॉपिक? अगर कोई आपको क्वेश्चन हो मन में, फिर भी आप कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।